पर जो बेसिकली इंपीरियलिज्म है उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो मुल्क होता है वो अपना इन्फ्लुएंस या अपनी जो पावर्स हैं वो बढ़ाना चाहता है, और उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो बेसिकली जो है किसी और इलाके के ऊपर कब्जा कर ले। इसका मतलब है किसी और इलाके को, जो कि नॉर्मली पहले ज़माने में स्टेट्स बहुत कम होती थी और जो बाकी इलाके होते थे जैसे अफ्रीका है, एशिया है, इनमें इलाके जो थे वो स्टेट्स नहीं कहलाते थे और वो टेरिटरीज होती थी। इसका मतलब टेरिटरी किसी पर कब्जा करके उसे कॉलोनी बना ले, इसका मतलब कॉलोनियलिज्म। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी और इलाके पर अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मिलिट्री डोमिनेशन जो है उसको एक्सर्ट करे, और वो भी इंपीरियलिज्म है। इसका मतलब इंपीरियलिज्म जो है उसमें दोनों चीज़ें आती हैं। एक आता है कॉलोनियलिज्म, यानी कि उसमें किसी इलाके को कॉलोनी बनाना, या फिर उसके अंदर यह है कि उस इलाके पर अपनी डोमिनेशन कायम करना, अपना इन्फ्लुएंस कायम करना बाय मिलिट्री एस्पेक्ट कह लें आप, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस स्टेब्लिश करना। इसका मतलब है कि ये है। तो एक टर्म है कॉलोनियलिज्म, एक है इंपीरियलिज्म। आपने देखा कि इंपीरियलिज्म एक ज्यादा वास्ट टर्म है, यानी कि इंपीरियलिज्म में कॉलोनियलिज्म शामिल है, लेकिन कॉलोनियलिज्म जो है आप उसका समझे एक सबसेट है जो कि इंपीरियलिज्म का है। लेकिन ज्यादातर हमारे जहन में जब आता है इंपीरियलिज्म तो हम कॉलोनियलिज्म जो है उसकी एग्जाम्पल लेते हैं।